YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता युवती को एडिशनल SP सुदासी ने लगाई फटकार। रामपुरा जिला भाजपा ही नहीं सपा शासन में भी हमेशा चर्चित रहता है, क्योंकि कभी इसका गुमार कभी राजनेताओं के सर चढ़कर बोलता है तो कभी रामपुर के अधिकारियों के, और ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रामपुर जिले की तहसील मिलक से जहां समाधान दिवस में न्याय की गुहार लेकर पहुंची युवती को एडिशनल SP सुदासी की फटकार का सामना करना पड़ा। जब युवती ने तहसील मिलक में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई, इंसाफ न मिलने पर मिट्टी का तेल लेकर पहुंची युवती ने खुद को आग लगाने की भी बात कही। यह पूरा मामला रामपुर की तहसील मिलक के गांव रहोपुर का, जहां की निवासी युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही मुकेश कुमार से पिछले 6 साल से चल रहा था। 2011 से लगातार प्रेमी अपनी प्रेमिका से झूठे झूठे वादे कर रहा था। 2012 में ही होली की छुट्टी पर अपने गांव आया था। इसी बीच दोनों ने चोरी चुप के गांव के ही शिव मंदिर में भगवान के सामने फेरे लेकर शादी कर ली। इस बीच प्रेमी मुकेश की बहन रचना अपने भाई की शादी में दोनों के साथ थी और प्रेमी अपनी प्रेमिका साथ संबंध बनाता रहा। वही प्रेमी ने प्रेमिका की शारीरिक संबंध स्थापित करते समय प्रेमिका की अश्लील वीडियो बना ली, और जब भी प्रेमिका परिजनों के शादी की बात करती तब प्रेमी मुकेश उसको धमकाने लगता कि अगर कभी भी ऐसी बात कही तो यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। बोला ना तुझसे बात? बोला नहीं जा रहे बात। जी मंदिर बात करो, मेडिकल वो बदल देंगे। हाँ। बोला ना तुझसे बात? बोला नहीं जा रहे बात। जी मंदिर बात करो, मेडिकल वो बदल देंगे। हाँ। मेरा नाम सोनी। कहाँ रहती हैं? रायपुरा। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है, मैंने 6 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और दरोगा जी ने और इंस्पेक्टर ने, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और दरोगा विवेचक सुभाष यादव, इन्होंने रुपए लेके और मेडिकल की रिपोर्ट बदल दी। अच्छा, मामला क्या था आपका? मामला मेरा ये था कि 6 साल से मेरा एक लड़के से FIR चल रहा था, वो शादी का झांसा देता रहा। जब मैंने शादी को कहा तो फिर वो मुकर गया, बोल रहा था कि मेरे घर वाले 15 लाख रुपए दहेज और साथ में एक बोलेरो कार चाहेंगे तब शादी करेंगे, नहीं तो शादी करने से इनकार कर रहा है। लड़का भी फरार कर दिया घर वालों ने, और घर वाले भी दबंग एवं राजनीतिक पहुँच वाले लोग हैं, और सुरेश अध्यक्ष उनकी पूरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुरेश अध्यक्ष इस चीज़ के अध्यक्ष हैं? सुरेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी BJP के नेता। अच्छा। उन्होंने हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो थाने में कॉल करते हैं कि ये हमारे निजी रिश्तेदार हैं, इन लोगों को गिरफ्तार न किया जाए, और हम जब न्यायालय के लिए आते हैं तो हमें फटकार मार के भगा देते हैं। तो अब आगे आपने क्या सोचा है? आगे हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो। ठीक, चलिए। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी मौत के जिम्मेदार इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार। लड़की आज समाधान दिवस में आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी, क्या है पूरा मामला? नहीं, आत्मदाह की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन उसके द्वारा ये बताया गया कि 2017 में मुकदमा उसके द्वारा लिखा गया था, और उस किसी लड़के से उसका ऊपर प्रसंग चल रहा था, और उसके बाद उसने शादी भी कर ली थी, और बाद में वो लड़का रखने को तैयार नहीं है, तो उसने दहेज का और उसका जो है मुकदमा कायम किया था उसके खिलाफ। तो उस मुकदमे में वाद विवेचना और चार्जशीट लगा दी गई है, उसमें मुकदमा चला गया है कोर्ट में, लेकिन वो उनका कहना ये था कि मेरा मेडिकल जो है वो सही तरह से नहीं हुआ है, तो उसको बताया गया है कि अपने मेडिकल में यदि उसको कोई दिक्कत हो तो CMO से आके CMO साहब से जाकर संपर्क करें, और मुकदमे में जो भी हर संभव कार्रवाई है वो उसको चेक किया जा रहा है, यदि सही पाया जाएगा तो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाएगी, यदि कोई एडमिट तब आ जाएगी तो उसके हिसाब से कोई जरूरी था। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है? इसने अपने जो है जो पति के खिलाफ है वो लिखाया है। सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी?
नहीं, कोर्ट से अरेस्ट सिक्के था, चार्जशीट बहुत पहले लग चुकी है इसमें और कोर्ट में जा चुकी है चार्जशीट। रामपुर उत्तर प्रदेश से रोहित एस मनी की रिपोर्ट, GNA इंडिया। YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।